दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर पैनल के बारे में। तो हम जानकारी देंगे आपको 1 किलोवाट सोलर पैनल का क्या खर्चा है, मार्केट के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी अवेलेबल है और किस क्वालिटी का आपको क्या बेनिफिट्स मिलेगा, आपका लगभग कितना पैसा खर्च हो जाएगा अगर आप 1 किलोवाट सोलर पैनल लेना चाहते हैं। दोस्तों तो वीडियो में अंत तक रहिए, आज पूरी कंप्लीटली जानकारी बहुत आसान शब्दों में दूंगा। मैं हूँ आपका दोस्त विजय यादव और आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों तो मोस्टली सोलर पैनल को फोटोवोल्टिक सेल भी बोलते हैं, फोटोवोल्टिक प्लेट्स भी बोलते हैं। तो फोटो से वोल्ट बनाने वाली जो प्लेट होती है वो सोलर पैनल्स होता है, यानी कि जो सनलाइट है उसके फोटो लेके वोल्ट बनाने वाली जो प्लेट्स है वो सोलर प्लेट बोलते हैं। इसमें दोस्तों मोस्टली आज की डेट में 3 प्रकार की प्लेट मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे सबसे पहले जो पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसको हम पॉली पैनल्स कहते हैं, जिसमें जो सेल होता है उसे पॉलीक्रिस्टलाइन या मल्टीक्रिस्टलाइन के नाम से आपने सुना होगा, कहीं मल्टीक्रिस्टलाइन कहते हैं उसको, कहीं पॉलीक्रिस्टलाइन। मल्टीक्रिस्टलाइन का मतलब है बहुत सारी चीज़ों, मल्टी मतलब बहुत सारे तत्वों से बना हुआ सेल, या पॉली का भी मतलब है बहुत सारे तत्वों से बना हुआ, यानी सिलिकॉन के साथ साथ अन्य कुछ इम्प्योरिटीज जो हैं, अन्य जो तत्व हैं वो भी मिलकर जो सेल्स को बनाती हैं वो पॉली सेल्स होते हैं। दोस्तों पॉली सेल्स सस्ते होते हैं, ब्लू कलर्स के होते हैं और इनका जो जनरेशन होता है वो थोड़ा कम होता है। गर्मी के टाइम में ठीक काम कर लेते हैं लेकिन सर्दी बरसात में इनका जनरेशन बहुत कम हो जाता है। दोस्तों तो ये थोड़ा पैनल पुरानी टेक्नोलॉजी यही है, मोस्टली कंपनियां पहले यही बनाती थी। अब समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो मोनो आया, मोनो जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है सिंगल क्रिस्टलाइन, मोनो का मतलब हो गया सिंगल क्रिस्टलाइन, यानी कि प्योर सिलिकॉन से बना हुआ सेल जो होता है वो मोनो सेल होता है। दोस्तों तो मोनो के अंदर प्योर सिलिकॉन यूज किया जाता है। तो मोनो सेल एक मीडियम क्वालिटी होगी, पॉली से ऊपर की क्वालिटी होगी, मीडियम जो बोले वो मोनो। अब मोनो से भी ऊपर के मोनो जो आया, मोनो के बाद में उसे बहुत सारे इनोवेशन हुए, जो कंपनियां हैं इस सेक्टर्स की R&D कंपनियां हैं उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, उसके बाद में मोनो पर्क बनाया। तो मोनो पर्क मोनो का भी एडवांस वर्जन है दोस्तों। तो इसका जो जनरेशन है मोनो पर्क का वो मोनो से भी तेज है, मोनो से भी अच्छा है। और इसमें मोनो पर्क में अब मोनो पर्क बायोफिशियल और मोनो पर्क नॉर्मल दोनों तरीका के पैनल से आपको अवेलेबल्स मिलते हैं। बायोफिशियल मतलब दोनों तरफ से काम करने वाला जिसके बहुत सारे फेस हों, तो मोनो पर्क बायोफिशियल भी है और मोनो पर्क नॉर्मल भी है जो सिंगल साइड से काम करता है। तो सबसे अच्छी जो क्वालिटी है आज की डेट में मोनो पर्क है। मोनो पर्क बायोफिशियल ले लें आप, थोड़ा कम बजट है तो मोनो पर्क नॉर्मल ले लें, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी है। दोस्तों इनके हम रेटों की बात करें 1 किलोवाट का क्या रेट आपको पड़ेगा, देखिए पॉली पैनल पर हम जाते हैं तो लगभग राउंड फिगर में 2500 वाट के आसपास में, 1-2 रुपये वाट प्लस माइनस में सारी कंपनियों के पैनल्स आपको मिल जाते हैं, जो आप 2500 वाट का लगभग इसका रेट होता है। राउंड फिगर में मैं रेट बता रहा हूँ, इससे 1-2 रुपये प्लस भी हो सकता है कुछ कंपनियों का, कुछ का 1-2 रुपये माइनस भी हो सकता है। तो राउंड फिगर में आपको 1 किलोवाट आपको पॉली पैनल्स लेना है तो लगभग लगभग 25,000 रुपये में आपको 1 किलोवाट पॉली पैनल्स मिल जाएगा, 25 से 26,000 रुपये में या 24,000 रुपये में मिल सकता है अदर अदर कंपनी। अब मोनो की बात करते हैं तो मोनो का रेट लगभग दोस्तों मान के चले 30 रुपये वाट से लेके 35 रुपये वाट के बीच में मोनो कुछ कंपनियां बेच रही हैं। तो आप लगभग मान लीजिए 30 से 35 हज़ार रुपये का मोनो, और मोनो पर्क की बात करें तो लगभग 38,000 रुपये का, 35 से 38,000 रुपये के बीच में मोनो पर्क मिल जाएगा, और 38 से 40-42 हज़ार रुपये के बीच में आपको मोनो पर्क बायोफिशियल मिल जाएगा। दोस्तों ये 1 किलोवाट पैनल के रेट बता रहा हूँ, मतलब 1 वाट का जो रेट है लगभग आप मान के चले, जैसे मैंने बताया पॉली पैनल्स का 1 किलोवाट का एक वाट का रेट है लगभग 25 से 26 रुपये वाट के बीच में, मोनो का लगभग 30 से 35 रुपये वाट के बीच में, और मोनो पर्क का लगभग 35 से 38 रुपये वाट के बीच में, और बायोफिशियल का जो मोनो पर्क बायोफिशियल है 38 से लेकर 42 रुपये वाट के बीच में। राउंड फिगर में ज़्यादातर कंपनियों के रेट इसी के बीच हैं तो उसी आधार पर आप लगा सकते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी लेना चाहते हैं, अच्छा पैनल लेना चाहते हैं तो आप मोनो पर बायोफिशियल लेंगे। जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं नेक्सस सोलर एनर्जी का मोनो पर बायोफिशियल पैनल है, ये दोनों तरफ से काम करने वाला है और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है दोस्तों, हर मौसम में काम करता है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है चाहे बरसात है। अभी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि मोनो सेल, कुछ लोग मार्केट के अंदर कहते हैं मोनो सेल जी गर्मियों में काम नहीं करता, वो ठंडे प्रदेशों में काम करता है, वहाँ के लिए बनाया जाता है, यानी जहाँ धूप कम है या ज़्यादा बरसात का मौसम रहता है। जबकि दोस्तों पॉली की अपेक्षा मोनो हर कंडीशन में अच्छा काम करता है, और मोनो की अपेक्षा मोनो पर्क या मोनो पर्क बायोफिशियल हर कंडीशन में अच्छा जनरेशन देता है। तो अगर आप अभी
सोलर पैनल लेना चाह रहे हैं, लगवाना चाह रहे हैं, तो मेरी राय है कि आप अच्छी क्वालिटी के साथ जाएं, क्योंकि पैनल एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जैसे आज आप ले लेंगे और कंटिन्यू आपको रेगुलर यूज करना है, कम से कम 25 साल तो कंपनी गारंटी देती है, 25 से 30 साल, पर आप एक बार ले रहे हैं तो जो उसकी गारंटी 25 से 30 साल है, तो अप्रोक्सीमेट आप 40 साल के आसपास तो लाइफ मान के ही चलें, तो 40 से 50 साल के लिए अगर आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो ठीक चीज़ है, क्योंकि रोज रोज पैसा आप एक, जैसे आज 2G का जमाना था पहले कभी, फिर 3G आया, फिर 4G आया, और आज के ज़माने में आपको टेक्नोलॉजी परचेज कर रहे हैं, तो अगर आप एक मोबाइल ही परचेज कर रहे हैं और वो आप कर रहे हैं 2G टेक्नोलॉजी का, तो वो बेकार है आपके लिए, क्योंकि जब सस्ता बेशक मिल रहा है लेकिन उसका जो वर्किंग है वो स्लो है, तो आप आज के ज़माने में अगर कोई मोबाइल परचेज करें तो 4G करेंगे, टेक्नोलॉजी हमेशा लेटेस्ट परचेज करनी चाहिए दोस्तों। तो अगर आप सोलर पैनल परचेज करना चाह रहे हैं नया, तो मेरी जो सजेशन है उसके आधार पर आप मोनोपर्क बायोफेशियल या मोनोपर्क परचेज करें अपने बजट के हिसाब से। अगर आपका बजट कम भी है तो अभी आप मोनोपर्क का या मोनोपर्क बायोफेशियल का आप 800 वाट भी ले लेंगे, तो 700 वाट भी ले लेंगे, तो भी आपका पूरी के 1 किलो वाट से ज़्यादा उसका जनरेशन आएगा दोस्तों। तो अगर बजट कम भी है तब भी आप पैसे उतने इन्वेस्ट करेंगे जितने आप उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उतने में अच्छी टेक्नोलॉजी आप ले सकते हैं दोस्तों। तो ये हुआ आपका पैनल की बात। सबसे ज़्यादा कॉस्टली किसी भी सोलर सिस्टम में, सबसे ज़्यादा जैसा सोलर सिस्टम नाम ही सोलर सिस्टम है, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा खर्च होता है आपका वो सोलर पैनल पे होता है। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, अगर आपको 1 किलोवाट का सिस्टम बनाना है तो आपको 1 किलोवाट 2 बैटरी के साथ भी बन जाता है, 1 बैटरी के साथ भी। रात का ज़्यादा बैक लोड है आपका तो 2 बैटरी के साथ लें, रात का कम लोड है तो 1 बैटरी के साथ लेना है। तो अगर 1 बैटरी के साथ लेंगे तो जैसे नेक्सस का ही मैंने पहले कई वीडियो में दिया है, 1 KVA आता है, जिसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 11,000 रुपये के आसपास है, वो ले लेंगे। आप 1 बैटरी ले लेंगे 150 एच या 200 एच जैसा आपका बजट है, और आप 1 किलोवाट पैनल ले लेंगे, दो पैनल से दो पैनल ले लें। आज की डेट में जो बायोफेशियल पैनल है मोनोपर्क में बायोफेशियल आ रहा है नेक्सस का, वो 420 वाट में आ रहा है, तो आप दो पैनल भी ले लेंगे, वो 12 वोल्ट में 24 वोल्ट में जैसा आपका बजट है, क्योंकि यह PPTPS है, दोनों को सपोर्ट कर लेता है। तो आप जौन सा भी, आप जितना जौन से वाट का भी आप पैनल लेना चाहें वो ले सकते हैं और लगा सकते हैं। आप चाहें थोड़ा इकोनॉमिक बजट थोड़ा कम है आपका, तो PWM टेक्नोलॉजी के भी बहुत सारे इन्वर्टर मार्केट के अंदर मिल जाते हैं 5-6 हज़ार रुपये की रेंज में, 1 किलोवाट में 1 बैटरी में। ऊपर वो टेक्नोलॉजी थोड़ी ओल्ड है, थोड़ी सस्ती तो है पर ओल्ड है। आप अगर बिल्कुल बजट का देखना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं वहाँ, लेकिन अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस लेना है और सोलर में अच्छे से आपको जब सोलर सिस्टम के साथ आ रहे हैं तो उसका पूरा आपको आनंद लेना चाहते हैं, तो MPPT टेक्नोलॉजी के साथ आए और अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आए। तो ये आपके कम बजट में दोस्तों, ये आपके कम बजट में आप एक अपना सिस्टम अपने हिसाब से तैयार करा सकते हैं। जैसा मैंने बताया पूरी पैनल के साथ जाएंगे तो आप मान के चलिए 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास का पैनल हो गया, आपने 1 बैटरी का सिस्टम लिया, 1 बैटरी 10 से 12 हज़ार रुपये के बीच में हो गई, राउंड फिगर में मैं रेट बता रहा हूँ, हो सकता है 100-200 प्लस माइनस हो अदर अदर कंपनियों की, एक मैंने राउंड फिगर का रेट दिया है। और अगर PWM PSU के आप साथ जाएंगे तो लगभग लगभग मान लीजिए 7-8 हज़ार रुपये की रेंज में PWM PSU 1 किलोवाट तक के ज़्यादातर कंपनियों के आ जाते हैं। MPPT की बात करेंगे हम तो लगभग मान ली 10,000 से 11-12 हज़ार के बीच में MPPT PSU जो सिंगल बैटरी के हैं। अगर डबल बैटरी की बात करें तो डबल बैटरी में आप जा सकते हैं, डबल बैटरी में आज की डेट में आपको 1500-2000 वाट तक के PSU 2 बैटरी के साथ मिल जाएंगे। तो अभी आपका बजट कम है, आपकी लोड भी थोड़ा कम है, तो आप 1 किलोवाट सिस्टम आप लगवा सकते हैं। पर 1 किलोवाट जो सिस्टम होता है दोस्तों, ये जो इसका कैपेसिटी होती है वो 800 वाट के आसपास लोड होती है, तो ये आपका समरसेबल नहीं चला पाता, ये अपना घरेलू जो पंखा है, टीवी है, लाइट है, आपका टुल्लू पंप है, वॉशिंग मशीन है, इस तरीका के लोड ये चला देता है। लेकिन अगर आपका समरसेबल भी है तो आप 2 किलोवाट से ऊपर के PSU परचेज करें और 2 बैटरी का सिस्टम लें, 2 किलोवाट 2.5 किलोवाट तक के PSU आजकल मार्केट में अवेलेबल है, जैसे नेक्सस का 2.5 KVA आपने देखा है, MPPT सुपर PSU है, आप वो ले सकते हैं। अगर आपका समरसेबल का लोड है, आपका थोड़ा ज़्यादा लोड है, आप चाहते हैं कि पैनल अभी में, बेशक आप पैनल अभी 2 लगवा लें या 4 लगवा लें, लेकिन उसकी क्षमता 6 तक है, पर आपका बजट कम है तो अभी पहले आप 2 पैनल के साथ चला सकते हैं, थोड़ा बिजली ले लेंगे आप जितना 2 पैनल का जनरेशन उतना आपको बैकअप मिलता रहेगा। तो अपने हिसाब से इस तरीका से दोस्तों आपको इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कम से कम बजट में आपका सिस्टम चलता रहे और आपको पैसा भी आप बार बार मतलब स्टेप में आप इन्वेस्ट कर सकें। जैसा मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको जानकारी दी है कि पहले फेज में आप जितने भी सोलर PSU है मार्केट के अंदर, सोलर इन्वर्टर्स हैं, वो सब जो नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी काम करते हैं, ग्रिड से भी आप उनको चला सकते हैं। अभी आपका बजट नहीं है सोलर पैनल लेने का, सोलर पैनल आप अगले फेस में ले सकते हैं या अभी 2 पैनल लगा सकते हैं, तो 2 पैनल या कुछ जितना जनरेशन होगा वो आपको मिलता रहेगा, उसके बाद में आप बिजली लेते रहेंगे। जैसे ही आपका बजट हुआ अगले फेस में, फिर आपने 2 पैनल या 4 पैनल परचेज कर लिए, तो अपने हिसाब से अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि आप कम से कम बजट में, और क्या बजट होता है कि आपके दिमाग में आ जाए, क्या बजट होता है, क्या पैनल अच्छी क्वालिटी होती है, उसकी आपको जानकारी मिल जाए, कम से कम बजट में आप एक सोलर सिस्टम बना लें अपना,
और सोलर की तरफ जितना आए, क्योंकि सोलर की तरफ हम जितना आएंगे आने वाले टाइम में उतना ही अच्छा रहेगा। ये एक आपको पैसे की बचत तो करता ही करता है, साथ में हम अपने एनवायरमेंट को, जो अपने पर्यावरण को भी शुद्ध करने में हम एक अपनी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि अपनी ज़रूरत की जो बिजली है वो हम स्वयं बना लेते हैं। तो अगर हम सोलर की तरफ जुड़ते हैं तो ये मतलब इकोनॉमिक हमको फायदे के साथ साथ हम पर्यावरण के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैं कोशिश करता हूं बहुत आसान शब्दों में आपको बिल्कुल टेक्निकल जानकारियां आसान शब्दों के साथ आपको देता रहूं। तो दोस्तों वीडियो में आप अंत तक रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।